भाई भाई। देखिए मोहम्मद रफी की बेटी मुस्तफा परवेज भगवान कृष्ण की भक्त हैं। उनकी आवाज में भक्ति का भाव महसूस होता है। वायरल वीडियो में दिख रही गायिका हरि नारायण हरि ओम भजन गा रही हैं। बीच बीच में वो कृष्ण की आराधना में मंत्रों का भी पूरे सुर के साथ उच्चारण कर रही हैं। ना हो दूर एक पल के लिए, मेरी नजर से ना हो दूर एक पल के लिए, तेरा वजूद है लाजिम इस सत्संग के लिए। एक ऐसा तजुर्बा हुआ है मुझे, एक ऐसा तजुर्बा हुआ है मुझे, आज की रात बचा के धड़कने रख ली है मैंने कल के लिए। मेरी नजर से ना हो दूर एक पल के लिए, तेरा वजूद है लाजिम इस सत्संग के लिए। गाते गाते वो इंग्लिश में बता रही हैं कि इस गाने को वो किस कदर पसंद करती हैं। वो अपने सुनने वालों को भी साथ गाने को कहती हैं। लेट्स हियर यू सिंग। हरि नारायण हरि ओम। Okay, okay, that's nice. Yeah, some people were getting up to dance, okay? You're allowed to dance here. Hari Sundar Nanda Mukunda Hari Narayan Hari Om. Social media par bilkul isi daave ke saath ek aur video viral ho raha hai, जिसमें गायिका यही है लेकिन भजन अलग अलग है। वो नारायण नारायण धुन गा रही है। अब सवाल था, इतनी मीठी आवाज में कृष्ण और नारायण के गीत गाने वाली ये गायिका क्या मोहम्मद रफी की बेटी हैं और क्या उनका नाम मुस्तफा परवेज है? वायरल दावे का सच जानने के लिए हमने इस वीडियो से स्टिल्स निकालकर रिवर्स इमेज सर्च किए तो पता चला कि गीतांजलि राय नाम के यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो 14 अप्रैल 2013 को अपलोड किया गया था। का सच जानने के लिए हमने इस वीडियो से स्टिल्स निकालकर रिवर्स इमेज सर्च किए तो पता चला कि गीतांजलि राय नाम के यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो 14 अप्रैल 2013 को अपलोड किया गया था। अब हमने गीतांजलि राय के बारे में खोजबीन शुरू की तो हम उनके ऑफिशियल वेब पेज इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर अकाउंट तक पहुंचे। हमें उनकी वेबसाइट पर कई वीडियो मिले जिनमें वो भक्ति गीतों के साथ गजल और फिल्मी गीत भी गाती दिखाई दे रही हैं। हमें वायरल वीडियो भी उनकी वेबसाइट पर मिल गया। पड़ताल में पता चला कि ये सिंगर गीतांजलि हैं जिनका जन्म अमृतसर में हुआ था लेकिन अब वो पुणे में रहती हैं। साफ है कि उनका नाम मुस्तफा परवेज नहीं है और वो मोहम्मद रफी की पोती भी नहीं है, इसलिए हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित होता है।